पटना में जिसको 43 बीघा जमीन हो, हम लोग को तो है नहीं, एको दूर जमीन, 43 बीघा जिसको जमीन हो, 468 करोड़ की संपत्ति केवल पटना में लालू परिवार को है, तो हम तो आपसे बहस नहीं कर सकते हैं। एक बार 20 महीना दिल में पढ़ाए तब जो नहीं डेवलप करिए, फिर सोचे कि एक बार और मौका दो, फिर सप्लीमेंट्री मौका दिए, फिर वही स्थिति। तब हम लोग कहे कि भाई इनको आदत लगा हुआ है क्रिकेट के मैदान से ही एक्स्ट्रा प्लेयर में रहने का, तो राजनीति में भी हम लोगों इनको एक्स्ट्रा प्लेयर घोषित कर दिया। माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के नेता हैं और माननीय राहुल गांधी जी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र के राजनीतिक परिवार कौन है? राहुल गांधी कह रहे हैं 30 लाख, आई कह रहे हैं 1 करोड़। तब कौन असत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? ये दोनों के बयान इस बात को रेखांकित करते हुए हम कह रहे हैं कि कौन असत्य है, यह देश की जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। राहुल गांधी असत्य बोल रहे हैं या जिनको आदत लगा हुआ है 420 के आरोपी तेजस्वी यादव? दोनों में से तो कोई झूठ जरूर बोल रहे हैं और दोनों के घोषणा पत्र इस बात के गवाह हैं। एक 30 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, एक 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यह बताएं कि नई आर्थिक नीति के जनक तो आपके नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं, इंडिया अलायंस के ये नेता बताएं कि 1995 से लेकर 2014 तक 13 सालों में कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकार देश में रही, तो बताएं कि 13 वर्षों में कुल किस साल कितनी सरकारी नौकरियां बढ़ाई गई? ये तो आंकड़े हैं, ये तो कोई छिपाया नहीं जा सकता है। 13 वर्ष में आपके कार्यकाल के दौरान जब आपकी सरकार थी तो कितनी सरकारी नौकरियां बढ़ी, यह हम जानना चाहते हैं। दूसरा, तीसरा सवाल हमारा यह है कि आप एगो नेता हैं बिहार में, हालांकि नौकरी की पात्रता में संदेह है, हमको नहीं लगता है कि उतना क्लास तक पास आउट कोई व्यक्ति को कोई नौकरी लग सकता है, ये संभव नहीं है, लेकिन चलिए नौकरी की बात कर रहे हैं। तो बिहार में 2017 में सरकारी नौकरियां करने वाले की तादाद 3,65,000 थी। हम लालू जी राबड़ी जी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, उस समय क्या था स्थिति आप लोग भी जानते हैं, और 2024 में ये 9 लाख हो गया। तो 17 महीना आप सरकार में थे, अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक ही मात्र आप सरकार में शामिल थे ना, लेकिन हमने नौकरियां बढ़ाई है 2017 से लेकर 24 तक जाइएगा तो 9 लाख नौकरियां माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिना किसी को जमीन लिखे हुए, बिना भ्रष्टाचार के, न पदस्थापन में न उनकी बहाली में। तो इस बात के लिए हम इस बात यह पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अगर हिम्मत है रोजगार पर, तो विपक्ष शासित प्रदेश महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटका और पश्चिम बंगाल में से सरकारी नौकरी देने के मामले में भारत सरकार के आंकड़े इस बात के गवाह है कि बिहार उससे आगे निकल चुका है। बिहार आगे निकल चुका है इस मामले में, इसलिए हम जरा तुलना करिए गैर भाजपा शासित प्रदेश और बिहार में। बगल में झारखंड है, जहां आपके पिताजी कभी कभी प्रवास करने के लिए जाते हैं, वहां आपके उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी प्रचार में भी आप जाते हैं, वहां से आपका कलेक्शन बहुत बेहतर है। तरह झारखंड का आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए, आबादी के अनुसार हमने कितनी नौकरियां दी, आपने कितनी नौकरियां
केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अभी और लोग बताएंगे आपको कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में संविदा पर नौकरी हमने कितना दिया, और संविदा पर नौकरी की शुरुआत भी राबड़ी देवी के शासनकाल में हुआ था। ये अभी आप तमाम पत्रकार मित्रों को बताना आवश्यक है, जब ये राज्य की मुख्यमंत्री थी उस समय बहाली हुई थी संविदा पर, और आजकल प्रवचन दे रहे हैं रोजगार के सवाल पर। तो हम तो उनको चुनौती देते दे थे तेजस्वी यादव जी को कि हम लोग तो आपके लायक नहीं हैं, क्योंकि आप पटना में जिसको 43 बीघा जमीन हो तो हम लोग को तो है नहीं, एको दूर जमीन। तो 43 बीघा जिसको जमीन हो, 468 करोड़ की संपत्ति केवल पटना में लालू परिवार को है, तो हम तो आपसे बहस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जनता दल यू चुनौती देता है तेजस्वी यादव को कि आप समय तिथि निर्धारित करिए, हमारी पार्टी का पटना में जो वार्ड अध्यक्ष है वह बहस करने को तैयार रहेगा, आप समय और तिथि तय करिए कि माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में सरकारी नौकरियां देश के गैर भाजपा शासित प्रदेश से कैसे बेहतर स्थिति में हमने दिया है। और अब तो ये हम इनको रोजगार दिए 17 महीना का, आई कह रहे रोजगार रोजगार रोजगार, अरे हम ही नौकरी लगाए, तब एक बार 20 महीना का नौकरी दिए तो 37 महीना आप नौकरी किए, तो 17 महीना की चर्चा करते हैं, अब 20 महीना करने में पेट में दर्द हो रहा है, तब कितना एक एक क्लास में बार बार परीक्षा दिलावे, एक बार 20 महीना दिल में पढ़ाए तब यू नहीं डेवलप करिए, फिर सोचे कि एक बार और मौका दो, फिर सप्लीमेंट्री मौका दिए, फिर वही स्थिति। तब हम लोग कहे कि भाई इनको आदत लगा हुआ है क्रिकेट के मैदान से ही एक्स्ट्रा प्लेयर में रहने का, तो राजनीति में भी हम लोगों इनको एक्स्ट्रा प्लेयर घोषित कर दिया। अब राजीवता सम्मेलन में उपस्थित प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता निहुरा यादव जी, राजू जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी, देखिए अभी नीरज कुमार जी ने काफी विस्तार के साथ इंडिया गठबंधन के दो नेता, एक पार्टी जो पूरे देश में चुनाव लड़ रही है वो 30 लाख नौकरियों की बात कर रही है, और एक पार्टी के नेता जो दो दर्जन सीटों पर भी नहीं लड़ रहे हैं वो 1 करोड़ नौकरियों का वायदा करते हैं। दरअसल तेजस्वी जी का ट्रैक रिकॉर्ड नौकरियों को लेकर के खुद का तो कुछ नहीं है, लेकिन लैंड फॉर जॉब को लेकर खासे चर्चित वो रहे हैं और कई मामले भी उनके खिलाफ अभी चल रहे हैं। नौकरियों को लेकर के लगातार तेजस्वी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये सच है कि जिस 17 महीने में वो नौकरियों के देने की बात करते हैं उसमें सबसे ज्यादा नौकरियां शिक्षा विभाग में हैं, और शिक्षा विभाग के मंत्री चंद्रशेखर जी उन दिनों किस वजह से चर्चा में थी ये आप सबसे बेहतर कोई नहीं जानता है, या तो वो सनातन के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियों के कारण सुर्खियां बटोरते थे, या अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ जो विभागीय उनके प्रधान सचिव हैं उनके साथ टकराव की वजह से सुर्खियों में थे, और लगातार अपने कार्यालय भी वो नहीं जानते थे, तो फिर ऐसे इस तरह से कोई क्रेडिट कैसे ले सकते। दरअसल नौकरियों के मामले में या बिहार में जातीय सर्वे का सवाल, आरक्षण का बिहार फॉर्मूला, आधारभूत संरचना, शराबबंदी, पंचायती व्यवस्था में आरक्षण का सवाल, स्थानीय निकायों में आरक्षण का सवाल, गांव गांव बिजली पहुंचाना, चमचमाती सड़कें सुदूर गांव तक पहुंचाना, पीने का पानी हर घर तक उपलब्ध करना, ये ऐसी उपलब्धियां हैं जो लोग जानते हैं नीतीश कुमार जी को अगर उन्होंने कोई वायदा किया
उसको जमीन पर उन्होंने उतारा। और नौकरियों को लेकर के उनका संकल्प था, नौकरियां लोगों को मिली, और आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं कि 2017 में हम देश के अन्य राज्यों से बहुत पीछे थे, केवल पश्चिम बंगाल हमसे पीछे था, और आज देश के ज़्यादातर राज्यों से जो आबादी और नौकरियों का जो अनुपात है उसमें हम काफ़ी बेहतर स्थितियों में हैं। और नीरज कुमार जी ने सही कहा, देखिए नौकरियां जो सरकारी नौकरियां, आज 9 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं, और दूसरी तरफ 4 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा भी हमारी सरकार देती है। इस तरीके से क्रेडिट लूटने के नाम पर लोगों को बरगलाने का कोई नैतिक अधिकार उन्हें नहीं है। तेजस्वी जी और राहुल जी, ये सच है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के ये जो 77 वर्ष है, 55 वर्ष कांग्रेस सत्ता में रही है, और खासकर के जिस कालखंड का जिक्र नीरज जी ने किया है कि 1995 से 2014 तक 13 वर्ष वो सत्ता में रहे, उन्हें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि उन्होंने कितनी नौकरियां अपने कार्यकाल में दी हैं। नौकरियों के सवाल पर जो लापरवाही और उनकी बेईमानी है वो सामने उजागर हो जाएगी, इसलिए उन्हें जनता दल यूनाइटेड की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और इंडिया ब्लॉक को इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए कि उन्होंने अब तक कितनी नौकरियां दी जब तक वो सत्ता में रहे। अब मैं निहोरा यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। मित्रों, नीरज जी ने विस्तार, चूंकि आपके पिताजी भी साक्षात विराजमान हैं, लालू प्रसाद जी के बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू यादव के पुत्र रामाशंकर यादव, त्रिवेणी यादव, श्यामा यादव, कमल यादव से उनके पोते और पुत्र को रेलवे में नौकरी देने के नाम पर फुलवरिया में, जहाँ पैतृक गांव है, अपने परिवार से 4 कट्ठा 5 धूर जमीन लिखवाया, और राबड़ी देवी के चाचा नाटा चौधरी उनके बेटी बेटे से सेलार कला, जहां नहिरा है राबड़ी देवी का, वहां 2 कट्ठा जमीन 24,000 में लिखवा लिया। और दूसरी ओर माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में वही स्वर्गीय गुंजन यादव जी, जो उनके बड़े भाई हैं, उनके पुत्र रामानंद यादव, उनकी पुत्रवधू श्रीमती गुंजन यादव को कार्यपालक सहायक में माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में मेधा पर नौकरी मिली, उनसे कोई जमीन नहीं लिया गया। तो जमीन के मामले में और नौकरी के मामले में तेजस्वी यादव स्पष्ट करें कि क्या माननीय लालू प्रसाद जी के बड़े भाई के परिजनों से नौकरी के नाम पर आपने संपत्ति लिखवाई। दूसरी ओर माननीय नीतीश कुमार जी उसी परिवार के स्वर्गीय मंगरू यादव जी के परिवार की पुत्रवधू को कार्यपालक सहायक में सरकारी नौकरी मिलती है, उसको 1 धूर जमीन नहीं लिखना पड़ा, इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। और तेजस्वी यादव को अगर रोजगार पर बोल रहे हैं तो इस पर अपना नजरिया साफ करना चाहिए। हमारी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम के बदौलत, जो बिहार जैसे राज्य में हमने काम किया है और राष्ट्रीय विकास में जो मेरा योगदान है, चाहे वो भी राष्ट्रीय औसत विकास दर का मामला हो, समाज के अति पिछड़े वर्ग दलित समुदाय के लिए जो हम लोगों ने काम किया है, जो हमारी सहभागिता है राष्ट्रीय संदर्भ में, और इस संदर्भ में हमारी उम्मीद के साथ कि बिहार जैसे राज्य के विकास की जो एक लंबी पटकथा हमको लिखनी है, तो केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस दिशा में हम लोगों ने, आप उसके राजनीतिक अभी मायने का तो कोई मतलब है नहीं, अभी तो लोकसभा चुनाव जिन मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं
उस मुद्दे की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी हर सभा में कर रहे हैं। मोटा मोटी बताते हैं, फुलवरिया है लालू जी का गांव, वहां स्वर्गीय मंगरू यादव के परिवार से पोते और पुत्र को नौकरी मिला, तो 4 कट्ठा 8 धूर अपना घरे वाला से लिखवा लिए भाई के भी। भाई ये से राबड़ी देवी काहे पीछे रहती, उन्होंने अपने चाचा नाटा चौधरी के बेटा को जमीन, बेटा के जमीन से जमीन लिखवा लिया, नौकरी उसको भी मिला, 2 कट्ठा जमीन 24,000 में लिखवा लिया। नहिरा में कोई महिला जमीन नहीं लिखवाती, पूरे रिकॉर्ड भी यही कायम। अब माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में उसी परिवार का, जिस परिवार से जमीन लिखवाया गया मंगरू यादव के परिवार से, पुत्र वधू श्रीमती गुंजन यादव को कार्यपालक सहायक की नौकरी मिली। हम चुनौती देते हैं तेजस्वी यादव को कि कार्यपालक सहायक जैसे सरकारी पद पर बहाली आपके परिवार का हुआ, आप बताइए कि इसमें क्या कोई जमीन लिखना पड़ा, कोई भ्रष्टाचार की बात हुई? आपके घर में तो नौकरी हम दिए, आप नौकरी का बात कर रहे हैं, राजनीति में नौकरी हम दिए, आपके घर में नौकरी हम दिए, आपके क्षेत्र में नौकरी हम दिए, तो नौकरी आपका आपके बस का चीज कहाँ है? अविनाश जी, सोना मना होता है।